दोस्तों, मैं हूं प्रवीर और आप देख रहे हैं टेकन टेक्निक्स। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन सेटअप पोप प्रोफेशनल का, जिसमें आपको पोप प्रोफेशनल का ही सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। एक्चुअली 3-4 महीने से मैं बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से मैं वीडियो कंसिस्टेंटली डाल नहीं पा रहा हूँ। रीज़न ये है, हम काफ़ी सारे सेटअप ट्यूनिंग्स करते हैं, उनका वीडियोज़ भी लेते हैं, लेकिन 3-4 महीने पहले जब हमारा CNC राउटर इंस्टॉल हुआ फैक्ट्री में, तो उस वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग भी उसका करना था कैबिनेट्स का, तो इस वजह से मुझे सफिशियंट टाइम नहीं मिल पाया कि मैं वीडियो एडिट करूँ, अपलोड करूँ। लेकिन उसी में से कुछ वीडियो जो रह गए थे आज से मैं अपलोड कर रहा हूँ, जैसे कि ये वाला सेटअप है जो हम केवंझर में गए थे, और इसके बाद बैक टू बैक काफ़ी सारे सेटअप की वीडियो आएगी। और गणेश पूजा के टाइम के बाद से भी जो हमने सेटअप ट्यूनिंग्स किया था, जिसके हमने कुछ शॉर्ट्स डाला है, तो उसका भी वीडियो आपको बैक टू बैक मिलती रहेंगी। सो इस चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी हम एक सेटअप ट्यूनिंग के लिए जा रहे थे केवंझर के लिए। यहाँ पे काफी तेज तूफान आ गया है। तो दोस्तों, ये है सफ़र हमारा सेटअप ट्यूनिंग के लिए। काफ़ी सारे जगह हम जाते हैं जहाँ पे हमें देखने को मिलता है बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यूज़। जैसे कि हम अभी केवंझर में जा रहे हैं, तो केवंझर में आपको पता होगा काफ़ी बड़े बड़े जंगल हैं, पहाड़ है, और काफ़ी व्यूज़ जो है वो बहुत ही अच्छा है। इस तरह का अवसर हमें सेटअप ट्यूनिंग के लिए मिलता है, हम काफ़ी जगह घूम भी लेते हैं इस सेटअप ट्यूनिंग के दौरान। और अभी हम पहुंचने वाले हैं उस सेटअप के पास। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, ये जो सेटअप है ये है DJ रौनक, और इसमें आपको देखने को मिलेगा टोटली पोप प्रोफेशनल का सेटअप, जिसमें आपको पोप प्रोफेशनल का सबवूफर्स देखने को मिलेगा। ये है LD18B V3, ये 1500 वाट का सबवूफर है, और इसका रेंज जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। इसका पंच जो है वो बहुत ही अच्छा होता है, और इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा TH625, ये भी पोप प्रोफेशनल की तरफ से है। ये एक 1100 वाट का टॉप है, इसका एक सेपरेट वीडियो भी मैंने डाला हुआ है 2-3 साल पहले। काफ़ी अच्छा रेंज रहता है इसका, मिड रेंज और हाई फ्रिक्वेंसी जो है वो थोड़ा बेहतर रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रौनक DJ और इनका एड्रेस। और ये जो सेटअप है, यहाँ पे अंदर में आपको देखने को मिलेगा पोप प्रोफेशनल का काफ़ी सारे पावर एम्पलीफायर्स। इसमें आपको देखने को मिलेगा पोप प्रोफेशनल MSC8202, इस तरह के 2 एम्पलीफायर है, और MSC7202, ये टॉप चलाने के लिए है, और 8202 जो है वो सबवूफर चलाने के लिए है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा DBX ड्राइव रैक 260, और इसमें जो DJ किट है वो है डायना DJ की तरफ से, DDJ 850, और डायना DJ का भी मिक्सर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि ये एक बिल्कुल नया सेटअप है, प्रोडक्ट्स जो है वो बिल्कुल फ्रेश है। जिनका ये सेटअप है, मैंने उनको कहा कि आप इसको थोड़ा सा कुछ 1-2 प्रोग्राम के लिए नॉमिनल में चलाइए इसका सेटिंग्स के साथ, और जब ये बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा 1-2 प्रोग्राम के बाद, फिर आप इसको और भी हायर लेवल पर भी चला सकते हैं। और जैसे कि हम हमेशा प्रेफर करते हैं सेटअप को आउटडोर में टेस्टिंग करना एक खुले जगह पे, तो हम इसको अभी लेके जा रहे हैं एक खुले जगह पे। एक खाली जगह पे अगर आप इसका ट्यूनिंग करते हैं, तो इसका हर वो फ्रिक्वेंसीज़ जो है जिसको आप एक लेवल पे लाना चाहते हैं वो अच्छा बन जाएगा। आपका पोलैरिटी का भी प्रॉब्लम आप वहाँ पर नोटिस कर पाएंगे। और इस तरह से अगर आप जैसे एक भीड़ भाड़ एरिया में करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, हो सकता है बेस रिफ्लेक्शन की वजह से आपको वहाँ पे वो सेटअप अच्छा सुनाई दे, लेकिन जब आप उसको आउटडोर में लेके जाएंगे तो हो सकता है वो उतना आपके लिए इफ़ेक्टिव ना हो। सो अभी हम इसका जो पहले का ऑडियो है उसको सुनेंगे। Thank you.
अभी हमने इस सेटअप को सुन लिया है, अभी हम इसमें थोड़ा सा पंच ऐड करेंगे और वाइब्रेशन जो है उसको भी थोड़ा सा इंक्रीज कराएंगे। जैसे कि ये एक बिल्कुल नया सेटअप है तो इसको क्लिपिंग से थोड़ा सा पहले हम इसको चलाने के लिए रिकमेंड करेंगे सेटअप ओनर को, और जैसे ही ये थोड़ा सा अपने फ्लो में आ जाए तो उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल जो है हम इनको बताएंगे, या फिर नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो उस टाइम में एक बार देख लेंगे कि कैसा बज रहा है और थोड़ा सा जो भी करेक्शन रहेगा उसको करने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारा सेटिंग जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है, अभी इसका थोड़ा सा कनेक्शंस में हमें चेंजेस करना पड़ेगा। जैसा अपना सेटिंग है उसके हिसाब से बिल्कुल कनेक्शंस भी होना चाहिए, और वैसे ही हम थोड़ा सा इसका कनेक्शन में भी चेंजेस करके फिर इसको प्ले करेंगे, और आप सुन के बताइए इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है। और बाकी जब हम ये सेटअप थोड़ा सा पुराना हो जाएगा, लगभग 4-6 प्रोग्राम चल जाएगा, तो उसके बाद फिर और कुछ जो मतलब हायर लेवल के ऑडियो प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए होता है जिस तरह का सेटिंग्स, वो सेटिंग्स भी हम इसमें ऐड करेंगे। सो इसका जो सेटिंग्स है वो हमने स्टीरियो में रखा है इसका टॉप लाइन को, और सबवूफर को मोनो में रखा है, दो सेटिंग्स अप्लाई किए हैं। और इसके अलावा हमने इसके लिए एक लाइनरी का भी ऑप्शन रखा है, कभी भी ये लाइनरी इंस्टॉल करते हैं तो 5 आउटपुट से लाइनरी के लिए ले सकते हैं, तो लाइनरी के लिए भी सेटिंग्स रहेगा। और बाकी एचएफ के लिए भी एक सेटिंग रहेगा जिसमें आगे चल के जब ये एचएफ वगैरह कुछ ऐड करेंगे तो उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो ऑलमोस्ट ये सेटिंग्स जो है वो रेडी है, अभी हम इसका ऑडियो क्वालिटी सुनेंगे, तो चलिए इसका ऑडियो क्वालिटी सुन लेते हैं।
आपने इस सेटअप को देखा, ये काफी अच्छा सेटअप है। जैसे कि ये बिल्कुल नया सेटअप है, मैं हमेशा कोई भी एक बिल्कुल फ्रेश सेटअप को बहुत ज्यादा हायर लेवल पे प्ले करने की परमिशन नहीं देता जो लोग मुझसे सेटअप ट्यूनिंग करवाते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नॉमिनल ये लगभग 2-4 प्रोग्राम हो जाए, उसके बाद सारे जो इक्विपमेंट्स है वो फ्रेश होते हैं। तो उनका थोड़ा सा मेरा मानना रहता है कि सेटिंग्स के लिए आपको, सही सेटिंग्स के लिए आपको 1-2 प्रोग्राम थोड़ा सा बिताना चाहिए। इसका थोड़ा सा जो सेटिंग रह गया है, जब नेक्स्ट टूर करेंगे क्योंझर के लिए, तो उस टाइम में और भी जो थोड़ा सा करेक्शन है वो भी हम कर देंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें बिल्कुल कमेंट करके बताएं। इस तरह की और भी काफ़ी सारे सेटअप ट्यूनिंग और प्रोडक्ट रिव्यूज के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।